है कॉफी से मिलती है, चाय से मिलती है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, जरूरत से ज्यादा कैफीन भी शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह है। जितनी आपकी बॉडी को जरूरत नहीं रहेगी, उतना अगर आप बॉडी को कैलोरी दे रहे हैं ना, तो नुकसानदेह है। हम प्रतिदिन चाय पीते हैं, चाय की बेनिफिट बता सकते हैं क्या आप मेरे को? चाय की बेनिफिट कुछ नहीं है। हमको लगता है कि हमको एनर्जी प्रदान करता है, ये सब चीज करता है। दूध की चाय से, ठीक है, दूध की चाय से ही शरीर में गैस की समस्या उत्पन्न हुई है। अब जितने लोगों को भी मैं बोलूं कि जितने भी लोगों को आज गैस एसिडिटी की सब समस्या है ना, उसके मुख्य कारण चाय है, वो भी दूध की। ठीक है, जिस प्रकार हम चाय पत्ती, शक्कर, ठीक है, ये सब चीज डाल बनाते हैं, उसके ऊपर में जैसे हम दूध डालते हैं ना, वो हमारे लिए स्लो पॉइजन हो जाता है। ठीक है, आपके खाना को अच्छे से डाइजेस्ट होने नहीं देगा। लेकिन मैं भारत में ये बताना चाहूंगा, भारत में इंसान बहुत ज्यादा मात्रा में चाय की प्रयोग करते हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा चाय के प्रयोग करने से इंसान आज गैस एसिडिटी के समस्या से उलझ रहे हैं। ठीक है, और ये मोटापा को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा कारण है। जैसे हमारे चाय में दूध गया तो उसकी कैलोरी भी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी। ठीक है, मैं नॉर्मल से ये बताऊं कि हमारे बॉडी में एक कप जब चाय जाता है ना, तो 250 से 300 कैलोरी हमारे बॉडी में चला जाता है। ठीक है, तो देखो कैलोरी भी प्रदान करता है। ठीक है, तो कैलोरी जितने बॉडी में जाएगा, अगर 2 कप चाय पी रहे हैं सुबह और शाम पी रहे हैं, तो 500 कैलोरी ऐसे चला गया। नॉर्मल आप लंच करेंगे, सुबह का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करेंगे, रात की डिनर करेंगे, और बाहरी ब्रेक मतलब फास्ट फूड वगैरह खा देंगे, तो दिन भर में आप 2500 से 3000 कैलोरी जब ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको वजन बढ़ेगा। ठीक है, तो हम छोटे छोटे चीज से हम कट कर सकते हैं अपने बॉडी में जब कैलोरी जाती है। ठीक है, तो मैं आपको आज ऐसे चाय के बारे में बताऊंगा जो हमारे बॉडी को कैफीन भी प्रदान करेगा, जितनी हमारे बॉडी को चाहिए, ठीक है, उतना प्रदान करेगा, और हमारे बॉडी में कमी नहीं होने देगा, सॉरी, और हमारे बॉडी को भी एनर्जी प्रदान करेगा, और प्रॉपर तरीके से उसके माध्यम से हमारे बॉडी को पानी की भी जरूरत पूरी होगी। प्रति 20 केजी में हमको 1 लीटर पानी चाहिए। ठीक है, चाय के 1 कप में बहुत सारे नुकसान। ठीक है, लेकिन मैं आज जो चाय बताऊंगा उसकी मात्रा बहुत ज्यादा रहेगी आपके, और प्रॉपर तरीके से आपको कैफीन भी मिलेगी। ठीक है, और आपको एनर्जेटिक प्रदान करेगी, वो है एफ्रेश एनर्जी ड्रिंक, जो सिर्फ और सिर्फ हर्बल लैब न्यूट्रिशन कंपनी के पास ही है, जो कंपनी पिछले 43 साल से मार्केट में रन कर रही है। अब सोच सकते हैं, वो कंपनी के पास सिर्फ वो चाय है जो हमको एनर्जेटिक प्रदान करती है, और मैं अपने बारे में बताऊंगा, पिछले 2 साल से मैं उस चाय को यूज कर रहा हूं, मेरे को जरा सा भी एसिडिटी की समस्या नहीं है। लेकिन मैं जब वजन कम करने के लिए इस प्रोग्राम में आया, तो उसका सबसे मुख्य कारण था गैस एसिडिटी की समस्या। ऐसा कोई दिन नहीं होता था कि मैं गैस की टेबलेट नहीं खाता था, 2 साल पहले की बात करो तो। और आज मैं उस चाय को लेना स्टार्ट किया, तो 2 साल से मेरे को गैस से रिलेटेड कोई भी टेबलेट खाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, और आज मैं हेल्दी लाइफ स्टाइल एंजॉय कर रहा हूँ। तो आज हम उस चाय को आपके सामने बनाकर बताएंगे कि कैसे आपको चाय बनता है, और हम उसको कैसे लेना चाहिए, और उस चीज से हमको क्या फायदा मिलती है। ठीक है, तो मैं जिस एफ्रेश एनर्जी ड्रिंक के बारे में बता रहा था, वो ये है एफ्रेश एनर्जी ड्रिंक। ठीक है, दुनिया का नंबर 1 ऐसा एनर्जी ड्रिंक है जिसमें कम रूप में कैफीन है, और हमारे वजन को कम करने के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, कम रूप में इसमें शक्कर की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जानते हैं शक्कर हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी नुकसानदेह है, इसको शक्कर की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और ये चाय से भी सस्ती है। 5 रुपए की जो चाय बनती है ना, उसकी क्वांटिटी कितनी होती है, और ये 10 रुपए की चाय आपका बन कर तैयार होगा, और इसकी क्वांटिटी कितनी होगी आप सामने में देखेंगे। ठीक है, तो
हमको चाहिए लगभग, आप इसको छोटा गिलास भी ले सकते हैं, मैंने लगभग 400-450 ml की गिलास लिया है जो इतना पानी इसमें आएगा, ठीक है। तो इसको हमको लेना है ना, एक चम्मच वाली बना रहे हैं तो आपको 200-250 ml वाली पानी लेनी है, ठीक है, गिलास में पानी डालना है, ठीक है। तो आप, हम बड़ा गिलास यूज कर रहे हैं तो इसमें हम 2 चम्मच डालेंगे, 1 चम्मच में हमको 40 मिलीग्राम कैफीन मिलती है। और ये लेमन फ्लेवर में है, ठीक है, ये देखिए 1 चम्मच और ये 2 चम्मच। और चाय में बताऊंगा आपको, 1 कप चाय में आपको 140+ मिलीग्राम कैफीन मिलती है, और ज्यादा हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह भी है, ठीक है। तो ये इसमें मैंने एफ्रेश एनर्जी ड्रिंक डाला, और इसमें हम ऊपर से गर्म पानी डालेंगे। इस प्रकार का आप केटल ले सकते हैं जिसमें गर्म पानी होता है, ठीक है, या थर्मस वगैरह भी ले सकते हैं, आप कहीं पर भी आना जाना कर रहे हैं तो, ठीक है। तो इसमें हम गर्म पानी में डालते हैं, ऊपर से गर्म पानी डालते हैं, अब बताओ इसको बनाने में कितना समय लगा। ये हमारी चाय तैयार हो गई कुछ ही पल में, ठीक है, कुछ ही पल में ये चाय तैयार होकर हमारे पास आ गई, ठीक है। और इससे हमको फुल एनर्जी मिलेगी, ठीक है, और हमारा बॉडी में पानी की भी पूर्ति होगी, अगर हम सुबह शाम ले रहे हैं, ठीक है, या हम 4 बार भी इसको ले सकते हैं, हमारे बॉडी में जितना ज्यादा जाएगा ना उतने हमारे बॉडी से चर्बी को भी कट करके ये निकालने में मदद करती है, ठीक है, जो गंदगी में ऑर्गन्स, देखो हम लोग कहीं पर भी आना जाना करते हैं ना तो डस्ट के माध्यम से हमारे शरीर में धूल डस्ट बहुत ज्यादा चला जाता है, तो उसको निकालने के लिए क्या काम आएगा ओनली, अगर हम ज्यादा पानी नहीं दे रहे ना तो धीरे धीरे हमारे बॉडी में जमना चालू हो जाएगा, और वही जमने की वजह से 35 से 40 उम्र होने के बाद में इंसान को बीपी, शुगर, थायराइड, ना जाने क्या क्या समस्याएं अभी बीमारी आ गई है, मैं तो नाम भी नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, आप भी नहीं जानते होंगे, उतने सारे बीमारियां हमारे पास आ गई, और हमारे गलत खान पान, गलत लाइफ स्टाइल की वजह से हम उतने सारे बीमारियों का सामना कर रहे हैं। क्या आप भी चाहते हैं आपको वो बीमारी हो, ठीक है, नहीं तो आज ही सुधर जाइए, अपने लाइफ पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिए। मानव शरीर आपको आज मिला है, पता नहीं कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है अपने लाइफ को आप कितना स्वस्थ रखना चाह रहे हैं, कितना हेल्दी लाइफ स्टाइल जीवन यापन रखना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच इतना टाइम तक मेरे वीडियो में बने रहने के लिए। कुछ भी नया से रिलेटिव आपको जानकारी चाहिए तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए उस टॉपिक में वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच।